फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्मार्ट एपीएन सेटिंग दिखाने वाला हूँ विथ प्रूफ के साथ। बट उससे पहले हम लोग थोड़ा स्पीड टेस्ट वगैरह चेक करके देख लेते हैं जियो का जो डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग है उससे हमें अभी कितना स्पीड मिल रहा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको ये दिखा देता हूँ मैं कौन सा वाला एपीएन सेटिंग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए जियो का जो डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग होता है वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे मोबाइल में अभी कितने एमबी इंटरनेट डेटा बचा हुआ है। मैं माई जी ऐप ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए करीब 1 GB पड़ा है आज के डेट का इंटरनेट डेटा। यहाँ पे देख लीजिए 1007 GB पड़ा हुआ है अभी भी। अब मैं आपको ओकला ओपन करके दिखाता हूँ अभी मुझे इस एपीएन सेटिंग से कितना स्पीड मिल रहा है। मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं कितना स्पीड आता है। यहाँ पे आ रहा है 7 MB 6 MB के आसपास स्पीड आ रहा है। यहाँ पे 5 MB भी कभी कभी नीचे जा रहा है। यहाँ पे 6 MB लगभग पकड़ा हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं जियो का जो डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग है उससे मुझे 6 MB के आसपास स्पीड मिल रहा है। बट अगर इस वीडियो का अंत तक देखते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट एपीएन सेटिंग दिखाऊंगा जिससे अभी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स पे जाके आप मुझे जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, एपीएन सेटिंग काम कर रहा है या नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो अभी जाके शेयर कर दीजिए। और अगर आपने टेक्नो माइंड उज्जवल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एपीएन सेटिंग सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा। आप क्रिएट कैसे करेंगे इसके लिए आप सबसे पहले सेटिंग ऑप्शन पे चले जाइए। सेटिंग ऑप्शन पे आने के बाद आपके यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क करके एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो जियो सिम है यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, उस पर आप टैप कीजिए। उस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम यानी एपीएन करके एक ऑप्शन दिखेगा 3 नंबर पे, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू एपीएन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस या फिर ये वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें फिलअप करना है, उसके बाद ही आपका न्यू एपीएन क्रिएट हो पाएगा। और क्रिएट हो जाने के बाद आप उस एपीएन को अपने मोबाइल के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज़ फिलअप करना है वो है नेम। आप नेम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे दे दीजिए 4G Lite LIT, उसके बाद ओके। उसके बाद आपका आता है एपीएन। एपीएन पे आपको यहाँ पे जियो NET नेट करके देना होगा, उसके बाद ओके। उसके बाद आपका आता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को आप नॉट से रहने दीजिए। उसके बाद आता है पोर्ट। पोर्ट को भी आप नॉट से रहने दें। उसके बाद आपका आता है यूज़र नेम। यूज़र नेम पे आपको यहाँ पे जियो 4G V13 सेम टू सेम देना है, उसके बाद ओके। उसके बाद आपका आता है पासवर्ड। पासवर्ड को आप नॉट से रहने दीजिए। उसके बाद आता है आपका सर्वर। सर्वर पर आपको यहाँ पे www.jio.com देना होगा, उसके बाद ओके। उसके बाद आपका आता है MMSC, उसको आप नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है MS Proxy नॉट सेट। उसके बाद आता है MS Port नॉट सेट। उसके बाद आपका आता है MCC एंड MNC, ये आपके एरिया कोड है, इसको आप बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें। इसके बाद आपका आता है ऑथेंटिकेशन टाइप नॉट सेट। इसके बाद आता है APN टाइप नॉट सेट। उसके बाद आपका आता है APN प्रोटोकॉल, ये आपके फ़ोन में IPv4 या फिर 6 हो सकता है, उसको आप चेंज करके IPv4/IPv6 कर दीजिए। उसके बाद आपका जो आता है वो है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, ये भी आपके फ़ोन में IPv4 या फिर 6 हो सकता है, उसको भी आप चेंज करके IPv4/IPv6 कर दीजिए। इसके बाद आपका आता है BRR। BRR देखिए यहाँ पे अनप्रेसिबल रहता है, उसको आप अनटिक कर दीजिए। उसके बाद LTE पे टिक कर दीजिए और इसके बाद क्या कीजिए, आप सिंपली ओके दबा दीजिए तो आपका BRR सेटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है MVNO टाइप, इसको भी आप नाम रहने दीजिए। और लास्ट में जो आता है वो है APN PPP फोन नंबर, इसको भी आप नॉट से रहने दें। इसके बाद आप सिंपली मोर ऑप्शन पर जाइए और इस APN को सेव कर दीजिए। सेव कर देने के बाद आपको यहाँ पे दो APN दिख जाएगा, एक तो गया जियो का डिफॉल्ट वाला, दूसरा हो गया जो हम लोगों ने अभी अभी क्रिएट किया है मतलब 4G Lite वाला। उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए तो आपका एपीएन सेटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग टेस्ट करके देखेंगे इस एपीएन से हमें कितना स्पीड मिलता है। अब मैं फिर से ओकला ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं मुझे इस एपीएन सेटिंग से कितना स्पीड मिलता है। यहाँ पे देखते हैं, गो पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे ओकला कनेक्टिंग लेने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि अभी अभी मैंने एपीएन सेटिंग सेट किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फिर भी देखते हैं कितना स्पीड आता है। ओ, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखते हैं 9 MB 8 MB 10 MB 11 MB चला गया है। देखिए यहाँ पे 5 MB 7 MB मिल रहा था, यहाँ पे 11 MB चला गया है। तो अब समझ लीजिए एपीएन सेटिंग जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे 13 MB भी पहुँच चुका है, 15 MB पहुँच चुका है। आप भी ट्राई करके देखिए, आपको इससे ज़्यादा स्पीड जो है मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स पे जाके आप कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा कमेंट तो भाई आप कर ही दीजिए ताकि आपके भाई को भी इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो अभी जाके शेयर कर दीजिए क्योंकि ये 100% वर्किंग तरीका है जियो इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करने की। और फ्रेंड्स, अगर आपने टेक्नो माइंड उज्जवल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी वाले आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।